नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। इस बुलेटिन में इस वक्त की तीन बड़ी खबरों पर नजर हमारी रहेगी। आज बीएचपी महाकुंभ में महामंथन करेगी। इस महामंथन में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। वहीं गुजरात के मुखिया नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। खबर है कि 12 फरवरी को मोदी महाकुंभ जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में बीजेपी ने सियासत की तो रोक लगाई जाएगी। चलिए सीधे हम कुंभ नगरी का रुख करते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जो मार्गदर्शन मंडल है उसकी बैठक है आज। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ हैं। प्रसून, आपसे सवाल मैं ये जानना चाहूंगी। अशोक सिंघल ने आपसे ही जब पहली बार बातचीत की थी आज तक पर, उन्होंने कहा था, खुलकर कहा था कि अगर बीजेपी को कोई जमीन हासिल करनी है तो हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ रुख करना होगा। यानी कि कुवेश इस बैठक की दिशा स्पष्ट है और हम कह सकते हैं कि बीजेपी की राजनीतिक मजबूरियां भी। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से यहाँ जितने भी संत पहुंचे हैं, और बड़ी तादाद में संत पहुंचने शुरू हो गए हैं, जो 340 तमाम अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी हमने कमोवेश सबको टटोला है। हिंदुत्व को लेकर एक सहमति है। एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के भीतर क्या नायक की बात की जाए या ना की जाए। मूक सहमति कमोवेश सबकी है कि नरेंद्र मोदी उस रूप में निकल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस बैठक में उसका जिक्र ना किया जाए। लेकिन हिंदुत्व की बात तो आपको करनी होगी, और हिंदुत्व के आश्रय ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौजूदा वक्त में यहां के संतों को लगता है, विश्व हिंदू परिषद को लगता है, और देखिए चूंकि ये एक बैठक जो है केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक है, ये सबसे बड़ी बैठक होती है और इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बैठक का मतलब है विश्व हिंदू परिषद अपने तौर पर बहुत सारी चीजें तय करेगा आने वाले वक्त के लिए। और ये सारे देखिए लोग यहां पर बैठ चुके हैं, आप जो नजारा देख रहे हैं, और इसके बीच में तमाम संत जो हैं उनकी मौजूदगी है यहां पर, और इन संतों के साथ वो प्रस्ताव रखे जाएंगे। जिस प्रस्ताव पर सहमति बने तो इसको कल धर्म संसद में रखा जाएगा, और ये प्रस्ताव अकाट्य होता है इस मायने में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रस्ताव के जरिए बात आगे बढ़ेगी। और बड़ी बात यह है कि इसमें राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, जो आधे घंटे बाद यहां पर पहुंच जाएंगे, और उनके पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह के लिए व्यवस्था की गई है, वो बीजेपी की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। मतलब बहुत साफ है, यहां पर जब प्रस्ताव रखे जाएंगे, प्रस्ताव रखने के बाद राजनाथ जी से पूछा जाएगा क्या बीजेपी इस रास्ते जाएगी और बीजेपी को यह मंजूर है, ये सारी चीजें यहां पर एक सहमति बन जाएगी। और राजनाथ सिंह जो को एक अपना मैसेज देना है कि हां बीजेपी इस सियासत की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहती है, शायद इसलिए अब यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लकीर बहुत साफ है, हिंदुत्व, राम मंदिर, उस संस्कृति की बात जिस संस्कृति से इनको लगता है कि बीजेपी सियासत करते करते भटक गई है श्वेता, और उसी पर यहां पर मुहर लगी। जी हाँ, वाकई इसीलिए हम अमिताभ आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रसून ने जिक्र किया हिंदुत्व तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की अगर बात होती है, जिक्र क्या छिड़ सकता है? अशोक सिंघल ने अभी आपसे कुछ देर पहले बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन क्या इसका भी जिक्र छिड़ सकता है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन हो? बिल्कुल नहीं, इसकी जरा भी उम्मीद नहीं है श्वेता, क्योंकि अशोक सिंघल हो चाहे प्रवीण तोगड़िया, जो दो शीर्ष नेता हैं विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री पद पर फैसला करना है तो बीजेपी को करना है। इस विश्व हिंदू परिषद में उनके अपने एजेंडा पर, उनकी अपनी विचारधारा पर, राम मंदिर पर, और जो हिंदू आतंकवाद के मामले को जो के बारे में फैलाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, उस पर, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पार्टी के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं होने वाली। ये बतौर है बीजेपी से उनकी विचारधारा मिलती है, बीएचपी ये, लेकिन अभी भी एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच रही है। छोटी लकीर ये है कि बीजेपी से उनकी विचारधारा मिलती है, साथ चलना है, साथ चल सकते हैं। बड़ी लकीर ये खींच दी है कि बीजेपी खुलकर ये बताए कि राम मंदिर के समर्थन में है या नहीं। राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं, बीएचपी को उम्मीद है कुछ वो खुलकर बताएंगे, बड़ी लकीर को और छोटा करेंगे। लेकिन एक चीज साफ है, किसी व्यक्ति के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर फिलहाल यहां चर्चा नहीं होने वाली। दूसरी बात, बीजेपी क्या ऐलान करती है, बीएचपी उसका बड़े उत्साह से इंतजार कर रही है। कम से कम राजनाथ सिंह के आने से उसका उत्साह बढ़ा है, उनके लग रहा है कि विचारधारा पर लौट सकती है पार्टी, के राजनाथ सिंह के आने का इसका मतलब यही निकल रहा है। श्वेता जी, हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अमिताभ ने ही बातचीत की थी बीएचपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल से। क्या क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल जी। अशोक जी, मार्गदर्शक मंडल की बैठक आज है, कल होगी, वहां संत धर्म सभा होगी, तो माना जाए इस बार राम मंदिर का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा है आप लोगों का? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज से दो साल पहले, बल्कि 2010 में जब ये बात सामने आ गई, जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, तो और जिसको वो बाबरी मस्जिद कहते थे वो उसका मस्जिद का रूप नहीं है, और मुसलमान इस कारण से मुकदमा हार गए। तो हमारे संतों का कहना है कि अब हम बहुत दिन तक इसके लिए रुके नहीं रह सकते, और इसलिए इस विषय को संसद में सभी राजनीतिक दल मिल करके समर्थन करके राम जन्मभूमि के निर्माण का जो कार्य है वो वहां का निर्णय कराकर कानून बनाकर पूरा करें। लेकिन कोई लगता नहीं है कि कोई इंटरेस्ट, कोई इसमें रुचि दिखा भी रहा है भाजपा, जिसको आपने आगे बढ़ाया, जो आपकी कंधे पर चढ़ के आगे बढ़े, भाजपा तक इसमें रुचि नहीं दिखा? देखिए, अगर वो लोग इसका निर्णय नहीं करते हैं या कोई संसद में बात नहीं डालते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे संत हैं पूरे देश पर जिनका प्रभाव है, गांव-गांव में जिनका प्रभाव है, तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और क्या होगा। राजनाथ जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? वो तो मिलने आ रहे हैं संतों से और डुबकी लगाने आ रहे हैं, चले जाएंगे 4-5 घंटे के लिए तो आ रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो, आप चाहते हैं, आप उम्मीद करते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि वो आकर कम से कम एक कमिटमेंट अपनी दिखाएं यहाँ पर? मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और कुछ नहीं है, बाकी काम उनका वो करें, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। भाजपा से उम्मीद है आपको? जी, भाजपा से उम्मीद है विचारधारा पे लौट जाएगी वो? विचारधारा तो है ही उसकी विचारधारा है, उनका एक एजेंडा है, उनका एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में ये सारे विषय हैं। लेकिन वो खुलकर बोलते नहीं है, अब उनको दिखाई देगा कि सब चाहते हैं तो वो खुलकर बोलेंगे। देखिए, ये सब जनतंत्र है और ये सब विवेक से अगर काम लेंगे, और लेते ही हैं, तो जो जनता चाहती वही बोलने लगते हैं। बड़ी चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ये भी तय करेगी कौन नेतृत्व तो करेगा बीजेपी को, कौन हिंदुत्व के एजेंडे को लाएगा। नहीं, नहीं, क्या आप लोग नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा हम लोग का न तो है और न इस पर विचार होने वाला, हम लोगों ने इस प्रकार का मुद्दा रखा भी नहीं। पर बीएचपी चाहती है, आप लोग चाहते हैं मोदी बने? ये हमारा विषय ही नहीं है, ये विषय उन लोगों का है, उन्होंने कहा है कि उचित समय आने पर हम घोषणा करेंगे कि कौन हमारे लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा, ये उनका काम है। तो कुल मिलाकर एजेंडा पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर है और आंदोलन की चेतावनी देने अगर कोई पार्टी इसको नहीं उठाती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ अमिताभ सिन्हा, इलाहाबाद आज तक। कुंभ नगरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा और पुण्य प्रसून वाजपेयी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे बातचीत करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि भड़काऊ बयान पर मचे बवाल के बाद बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी धर्म और जाति का नाम नहीं लिया। महाकुंभ में पहुंचे प्रवीण तोगड़िया से बात की हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने। विश्व हिंदू परिषद क्या वाकई देश को रास्ता दिखाएगा? संतों के जरिए ये रास्ता दिखाने का प्रयास करेगा, मतलब कुछ भी निकाला जाए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी मौजूद हैं, जायके के साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, जायका तो हम चख रहे हैं, क्योंकि मसला इस वक्त बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद के आश्रम में, उस जगह पे जहां पर पूरे देश की नजर है। लेकिन क्या वाकई आप लोग रास्ता दिखलाने निकले हैं या सिर्फ खुद को जोड़ने निकले हैं? यह देश के सभी लोग, संत और विश्व हिंदू परिषद, बहुत चिंतित है कि यह देश में कुल मिलाकर हिंदुओं के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहे, न हम भारत में राम मंदिर बना पा रहे हैं। जब न्यायालय ने कह दिया कि यहां मंदिर था और 3000 वर्ष पुराना मंदिर बना, हम मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, न हमारी नौकरियां सुरक्षित है, ओबीसी की नौकरियां छीनकर मुस्लिम आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को दिए जाती है, न हमारी सुरक्षा है। कोकराझार में ट्राइबल हिंदू अपने घरों में रह नहीं पाया और प्रतापगढ़ में शेड्यूल कास्ट की बेटी अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। तो देश में सभी के मन में बहुत उग्रता है कि देश में किसी भी हिंदू की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा नहीं है। इस स्थिति में
देशव्यापी जनजागरण और जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और इसलिए है कि यह देश की कुल मिलाकर राजनीति की दिशा एंटी हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की बनी है, और जब तक यह देश की पॉलिटी हिंदू पॉलिटी नहीं बनेगी, बहुसंख्यक हिंदू है उनके प्रति दुर्लक्ष चलाकर देश में राजनीति कैसे चल सकती है, पर देश में आज यही चल रहा है। लेकिन प्रवीण भाई, 1991 में जब मूवमेंट जब शुरू हुआ था, तो अब एक आपकी पॉलिटिकल आर्म थी संघ की बीजेपी ने उस मूवमेंट को काफी आगे बढ़ाया था, मदद की थी आपकी। इस बार तो लगता है बीजेपी थोड़ी कटी कटी सी है, आपको लगता नहीं है एक राजनीतिक आर्म चाहिए जो आपकी आवाज तक पहुंचा सके? मैं आपसे सहमत हूं, राजनीतिक आर्म चाहिए, राजनीतिक आर्म चाहिए, आर्म्स चाहिए, वह चर्चा का मुद्दा हो सकता है कि एक राजनीतिक दल खड़ा हो या अनेक खड़ा हो। हमारा प्रयास तो यह होगा कि देश में हिंदू पॉलिटी का जन दबाव लोकतांत्रिक बनाकर देश में अनेक लोग हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए खड़े हो, और जहां तक जो बंधु हमारे साथ चले थे आगे कैसे चलेंगे, तो कल राजनाथ सिंह जी शायद आ रहे हैं ऐसा सुना है, उनसे ही पूछ लीजिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नहीं, आप भरोसा नहीं उनपे? अधिकृत दृष्टि से उनसे ऊपर सुन लीजिए, मेरा भरोसा है तब तो बता रहा हूं। नहीं, आपका भरोसा डामाडोर लग रहा है, इसलिए हमें लग रहा है, उनके मुंह से सुन लीजिए। तो हमारे दोनों संवाददाता बातचीत कर रहे थे, हम सीधे आपको ले चलते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी और अमिताभ सिन्हा के पास। प्रसून, पिछले लगभग दो दशक में अगर हम देखें तो सतही तौर पर ही सही बीजेपी की राजनीति कुछ हद तक बदली है, इसकी वजह रही है गठबंधन की मजबूरियां। अगर राम मंदिर आंदोलन को एक आक्रामक तौर पर बढ़ाने की बात होती है तो मौजूदा दौर में गठबंधन की मजबूरियों को देखते हुए, सहयोगियों को देखते हुए, बीजेपी के लिए क्या यह मुमकिन हो पाएगा? देखिए, यही दुविधा है बीजेपी के सामने, और सबसे बड़ी दुविधा यही है कि बीजेपी समझती है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अकेले पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर जो माहौल है और जिस माहौल की बात लगातार बीते एक हफ्ते से हो रही है और पिछले 48 घंटों में हम देख रहे हैं, हम उसका एक दृश्य आपको दिखलाते हैं। दरअसल ये दृश्य बतलाता है कि किस तरीके से संत समागम के जरिए बीजेपी को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, और बीजेपी उस रास्ते पर चल पड़े उसका एक प्रयास कैसे हो रहा है, ये एक उसका दृश्य है। संतों की बैठक चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी, अशोक सिंघल जी पहुंचेंगे, राजनाथ जी पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। हिंदुत्व का रास्ता है, ध्वनि है, मंत्र है, सब कुछ है, संतों का पूरा जमावड़ा है जो आप देख पाए हैं, जिस रूप में तमाम अखाड़ों के प्रमुख यहां पर बैठे हुए हैं, आप सारा नजारा देख सकते हैं। अब आप जरा सोचना शुरू कीजिए कि इतने संतों की मौजूदगी से बीजेपी प्रभावित होती है, या फिर इस देश में मौजूदा तौर पर जो मुश्किलात है जनता के सामने, वो राजनीति बीजेपी को अपनी दिशा में ले जाना चाहेगी, और बीजेपी जिस गठबंधन की बात करती है, लालकृष्ण आडवाणी हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, ये लोग जो सोचते हैं कि मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ इसके रास्ते नहीं चला जा सकता है, तो बीजेपी बीच का रास्ता निकालेगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात, राजनाथ सिंह तुरंत अध्यक्ष बने हैं, वो यहां क्यों आए ये समझ जाना चाहिए। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी यहां क्यों आ रहे हैं, पिछले इतने बरस में वो कभी कुंभ में नहीं गए, इस बार क्यों आ रहे हैं? मैसेज ये है कि इस बार हिंदुत्व को छोड़ा नहीं जा सकता है, और हिंदुत्व के जरिए उस सॉफ्ट हिंदुत्व को नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व को पकड़ा जाएगा, और उसके जरिए मुद्दों की बात की जाएगी, यानी गठबंधन मुद्दों और हिंदुत्व को मिलाकर होगा। ये एक नई सोच पैदा हो रही है बीजेपी के भीतर, भी ये लग तो रहा जी। संकेत साफ है, समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।